ओके हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रसल चैटर। अब देखो गाइस, सर्वाइवर सीरीज के जो बात की रॉ थी वो इंपॉर्टेंट इसलिए ज्यादा थी क्योंकि जितनी भी चैप्टर्स थे वो सारे सर्वाइवर सीरीज में क्लोज हो गए थे और ज्यादातर डब्ल्यूडब्ल्यू को यहाँ पर नई चीजों की शुरुआत करनी थी कि आने वाले कुछ मंथ्स के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यू के प्रोडक्ट में हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा। और पर्सनली मैं कहना चाहूंगा कि रॉ सरप्राइजिंग थी। यहाँ पर काफी कुछ ऐसा एलिमेंट था जो कि शायद हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू ने उससे बेटर डिलीवर किया। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नई शील्ड के बारे में जो कि सेथ रॉलिंस बनाएंगे ऑथर्स ऑफ पेन के साथ। आज भी मंडे नाइट ड्रॉ के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यू के क्या प्लान्स हैं इस चीज को लेकर, क्यों रे मिस्टीरियो जीते यूएस चैंपियनशिप और गाइस रॉ के ऑफर जाने के बाद हमें क्या कुछ देखने को मिला। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल पर सुबह वाली वीडियो नहीं देखी है जहां पर मैंने पूरा रॉ का एपिसोड कवर किया, कैसे सेथ रॉलिंस ने अपना पूरा हील टर्न टीज कर दिया, रूसेव अरेस्ट हो गए, रे मिस्टीरियो चैंपियन बन गए, तो सारी बातें उस वीडियो में, जिसका लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आप लोग इस वीडियो के खत्म होने के बाद उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। लेकिन गाइस सबसे पहले हम लोग यहां पर शुरुआत करेंगे रे मिस्टीरियो से जो कि अभी अभी बने यूएस चैंपियन। कहां हमें लग रहा था कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप के लिए ब्रॉक लेसनर से लड़ रहे हैं तो वहां पर वो डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन बन जाएंगे, वैसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। लेकिन उसके ठीक 24 घंटों के बाद जब रॉ के एपिसोड में उन्हें लड़ने का मौका मिला तो उन्होंने एजे स्टाइल्स को हरा दिया और वो बन गए न्यू यूएस चैंपियन। डेफिनेटली यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यू का बहुत ही शॉकिंग डिसीजन था, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा कि अगले ही दिन रॉ के एपिसोड में रे मिस्टीरियो के कंधों पर यूएस चैंपियनशिप होगी। तो गाइस इसके पीछे रीजन क्या है, डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऐसा क्यों किया? अब गाइस देखो, रिपोर्ट्स हमें यहां पर ये बताती हैं कि रे मिस्टीरियो का जो डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ कॉन्ट्रैक्ट है वो अगले साल मार्च 2020 तक है। और गाइस इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक ऐसा क्लॉज है कि अगर रे मिस्टीरियो को अपनी फिलहाल की सिचुएशन के हिसाब से लगता है कि उनके साथ चीजें सही नहीं हो रही या फिर उनका कुछ भी मूड करता है तो फिर वो प्रमोशन से जा सकते हैं। ये थोड़ा मुझे अजीब चीज लगी लेकिन जो भी मुझे पता चला मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूं। बट गाइस एक थिंग यहां पर ये भी है कि क्योंकि रे मिस्टीरियो इंजर्ड थे और उनका जो कॉन्ट्रैक्ट टाइम था उस हिसाब से वो डब्ल्यूडब्ल्यू के पास काम करने के लिए अवेलेबल नहीं थे, तो डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसा भी कर सकती है कि जो उनके कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरेशन की डेट है वो उसे एक्सटेंड कर सकती है, क्योंकि कुछ महीनों के लिए जब वो डब्ल्यूडब्ल्यू में थे ही नहीं, जब वो इंजर्ड थे तो उस टाइम पर उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए वर्क नहीं किया। तो कुल मिलाकर यहां पर बात यह है कि शायद हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू रे मिस्टीरियो को नहीं जाने देना चाहती होगी किसी और प्रमोशन में, और वैसे भी इस समय ऑल एलीट रेसलिंग तो भाई पूरा टक्कर दे रहा है डब्ल्यूडब्ल्यू को और डब्ल्यूडब्ल्यू नहीं चाहेगी कि ऐसा सुपरस्टार जो कि उनका पका पकाया हुआ है उसे खा ले AEW। तो इसलिए यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यू ने रे मिस्टीरियो के साथ भी कुछ अच्छा करने का सोचा होगा। और वैसे भी गाइस मेरे हिसाब से यहां पर ज्यादा हमें दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है कि रे मिस्टीरियो क्यों चैंपियन बने, क्योंकि ऑलरेडी वो डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर अपना काफी नाम कमा चुके हैं और वो डिजर्व करते हैं कि वो यूएस चैंपियन हो, और उनके कंधों पर पर्सनली मुझे भी वो टाइटल काफी अच्छा लगता है। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं जो कि गाइस जुड़ी है कि रॉ के ऑफर जाने के बाद हमें कौन सा मैच देखने को मिला। तो गाइस हम लोगों ने देखा था कि मेन इवेंट में सेथ रॉलिंस और केविन ओवेंस का मैच था, तो जब रॉ ऑफर चली जाती है तो ड्रू मैकइंटायर आते हैं और वो मजे मजे में केविन ओवेंस को क्लेमोर किक मार देते हैं। उसके बाद वो रिंग में जाते हैं, फिंड को चैलेंज करते हैं मैच के लिए, जिसके बाद एक बार फिर से हमें ड्रू मैकइंटायर और फिंड के बीच यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिला। और आपको पता है लाइव क्राउड के लिए यहां पर कोई टाइटल चेंज वगैरह तो वैसे भी नहीं होना, और मैंडिबल क्लॉ और सिस्टर एबिगेल के सहारे से फिंड ने यहां पर यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। और फिंड तो ये कह रहे हैं कि भाई भले ही मैं स्मैकडाउन में चला गया लेकिन रॉ में अगर मैं ऑफ एयर मैच ना दूं ना तो भाई मेरा खाना पचता नहीं है। नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और गाइस ये जुड़ी है सेथ रॉलिंस और ऑथर्स ऑफ पेन से। ये बात तो हमें रॉ के एपिसोड में बिल्कुल क्लियर दिखाई दी कि डब्ल्यूडब्ल्यू अब सेथ रॉलिंस को बनाना चाहती है हील। अभी मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरी तरीके से सेथ रॉलिंस हील बन चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपने कलर्स दिखा दिए कि आने वाले टाइम में वो डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर क्या करने वाले हैं। और मुझे तो यहां पर ये बात 100% अब लगी रही है कि सेथ रॉलिंस हील बनने वाले हैं। इस बात में अगर डब्ल्यूडब्ल्यू कोई चेंज करती है तो ये उनका सबसे स्टूपिड आइडिया होगा। और इंटरेस्टिंग बात हम लोगों ने ये भी देखी कि सेथ रॉलिंस हील टर्न तो टीज कर ही रहे हैं, लेकिन AOP ने आकर जिस तरीके से ओवेंस को मारा और उन्होंने सेथ रॉलिंस को कुछ नहीं किया, तो एक तरीके से उन्होंने कुछ ना कुछ यहां पर सेथ रॉलिंस की मदद टाइप से कर दी। तो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यू का यहां पर ये प्लान है कि अब वो एक नई टीम फॉर्म करे जहां पर सेथ रॉलिंस और ऑथर्स ऑफ पेन उनके साथ होंगे। आपको याद होगा अभी से काफी साल पहले जब सेथ रॉलिंस हील के कैरेक्टर में थे तो उनके साथ J&J सिक्योरिटी थे, और आपको ये भी पता है कि हील के साथ उनका बैकअप होना जरूरी है ताकि उनकी जो हील टैक्टिक्स हैं उसे परफॉर्म करने में उन्हें और भी ज्यादा हेल्प मिले। और गाइस इन कमिंग टाइम में आप लोग देखने वाले हैं कि हमें सेथ रॉलिंस और AOP का एक फैक्शन देखने को मिलेगा जो कि गाइस WWE हमें दिखाने वाली है कि सिमिलर होगा शील्ड से। और वैसे भी आपको पता है कि सेथ रॉलिंस पहले शील्ड के एक मेंबर रह चुके हैं और अब जब वो एक हील सुपरस्टार होंगे तो मेरे ख्याल से फिर वो अपने इस वाले फैक्शन को शील्ड से बेटर ही बोलने वाले हैं। लेकिन फिर भी शील्ड एक अलग चीज थी, मतलब वो काफी ज्यादा पॉपुलर है। अभी ऑथर्स ऑफ पेन अगर सेथ रॉलिंस की भी बात करें तो ऐसा नहीं है कि ये टीम बिल्कुल ही बेकार होने वाली है। बेकार क्या, ये टीम बहुत ही ज्यादा अच्छी होने वाली है। अगर आप ऑथर्स ऑफ पेन की शक्ल ही देखो तो देखकर पता चल जाता है, और आपको कुछ ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। वो काफी तगड़े हैं, स्ट्रेंथ उनके पास है,
मतलब वो ऐसे बंदे हैं कि जिनको बस पुश देने की जरूरत है और वो तहलका मचा सकते हैं। और बाकी सेथ रॉलिंस को तो हम लोगों ने हील के तौर पर देखा ही है, उन्होंने कैसे अपना लोहा मनवाया हुआ है, तो ये अच्छा फैक्शन बन सकता है आने वाले टाइम में। और वैसे भी मैं तो सेथ रॉलिंस को एक हील सुपरस्टार के तौर पर ही ज्यादा पसंद करूंगा, ऊपर से तब जब उनका फेस वाला कैरेक्टर WWE के अंदर काम नहीं आ रहा। अब गाइस आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोग क्या कहोगे सेथ रॉलिंस एंड AOP के इस फैक्शन के बारे में। वीडियो नहीं देखी सुबह वाली तो उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। वीडियो अभी तक लाइक नहीं करी तो प्लीज लाइक कर देना, और आप लोग कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन, ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से प्रो रेसलिंग से जुड़ी सारी बातें जानने को मिलती रहे। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।